कौन सुनेगा किसको सुनाए इसलिए चुप रहते हैं। किशोर कुमार के गीतों की ये पंक्तियाँ शायद यही कहती है, क्योंकि खंडवा में किशोर कुमार का मकान जर्जर हो चुका है और इस मकान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम इस वक्त गांगुली हाउस के ठीक सामने खड़े हुए हैं। यही वो जगह है जहां 4 अगस्त वर्ष 1929 को नन्हे आभास कुमार गांगुली ने जन्म लिया था। आभास कुमार गांगुली, जिसे कि बाद में दुनिया ने किशोर कुमार के नाम से जाना। इनका मकान जर्जर हो चुका है। पारिवारिक विवाद की वजह से इस मकान का पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा है और कभी भी किशोर की ये यादें धराशायी हो सकती है। प्रशासन से स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन इसे सहेजे, लेकिन ये चूंकि संपत्ति किशोर कुमार के परिवार की है और जब तक उनके परिजनों की इच्छा नहीं होगी जब तक इस मकान का जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता। आइए इस मकान के हम भीतरी हिस्से में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किशोर कुमार की यादों से जुड़ी हैं। एक अंदर जाएंगे तो इस मकान के इस हिस्से में एक बरामदा है, साइड से रास्ता है, क्योंकि यहाँ जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ मकान का हिस्सा दिखा सकें। हमारे पास कुछ पुराने वीडियो फुटेज भी है जो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यह मकान के इस हिस्से को किस तरह जो है यहाँ पेड़ों ने कब्जा बना रखा है। पेड़ों की जड़ों के चलते मकान की दीवारें अब साथ छोड़ने लगी है। भारतीय फिल्मों के इतिहास में किशोर कुमार एक ऐसे गायक थे जिनकी आवाज का लोहा दुनिया ने माना। वो हरफन मौला कलाकार थे। उन्होंने हिंदी सहित कई भाषाओं में 25,000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 4 अगस्त वर्ष 1929 को हुआ था। खंडवा के गांगुली परिवार में जन्मे किशोर का बचपन में नाम आभास कुमार था। पेश है उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हमारी खास पेशकश। वर्ष 1929 को खंडवा के बॉम्बे बाजार में स्थित गांगुली हाउस में श्रीमती गौरी देवी गांगुली ने आभास को जन्म दिया। लेकिन शायद उस समय इस शहर को आभास न था कि उनके शहर में सुरों का सम्राट जन्म लिया है। करीब 3 दशक तक संगीत की दुनिया में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले किशोर कुमार ने कई भाषाओं में 25,000 से अधिक गीतों को सुर दिया। खंडवा के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे किशोर के पिता कुंजीलाल गांगुली एडवोकेट थे, माँ गौरी देवी गृहिणी थी। उनके बड़े भाई अशोक कुमार, जिन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दादामुनी के नाम से जानती है, उनके छोटे भाई अनूप कुमार भी फिल्मी दुनिया में पहुंचे और खंडवा के गांगुली परिवार ने देश भर में खूब नाम कमाया। किशोर की प्रारंभिक शिक्षा खंडवा में हुई जबकि उच्च शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में हुई। किशोरदा क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बड़े भाई अशोक कुमार के पास मुंबई चले गए। मुंबई में उनकी पहली फिल्म शिकारी थी जो कि वर्ष 1946 में रिलीज हुई। अभिनय के क्षेत्र में हाथ आजमाने के साथ ही उन्होंने गायकी में भी किस्मत को आजमाया। पहला पार्श्व गायन मरने की दुआएं क्यों मांगू फिल्म जिद्दी में वर्ष 1948 में मिला। उसके बाद वो फिल्मी दुनिया में एक हरफन मौला कलाकार के रूप में स्थापित हो गए। उनको खूब शोहरत मिली पर वो कभी भी खंडवा को नहीं भूले। वे खंडवा हमेशा आते जाते थे। जिस मकान में किशोर कुमार का जन्म हुआ वह मकान जर्जर होकर गिरने की कगार पर है। किशोर प्रेमियों को छोड़कर किसी की इसमें दिलचस्पी नहीं है। किशोर कुमार जब तक जीवित रहे तब तक इस बंगले की देखभाल हुआ करती थी। अब तो छत और दीवारें भी मकान का साथ छोड़ने लगी है। खंडवा के बॉम्बे बाजार स्थित गांगुली हाउस में आभास कुमार ने जन्म लिया तब किसे मालूम था कि यही आभास कुमार खंडवा के बॉम्बे बाजार से फिल्म नगरी बॉम्बे जा पहुंचेगा और दुनिया उसे किशोर कुमार के नाम से जानेगी। जिस घर के आंगन में नन्हे किशोर कुमार की किलकारियां गूंजा करती थी इस मकान के हर हिस्से में किशोर कुमार की यादें बसी हुई है। लेकिन उचित देखरेख के अभाव में किशोर कुमार का घर अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इस मकान की छत और दीवारें भी मकान का साथ छोड़ने लगी है। किशोर कुमार के रहते गांगुली हाउस की देखभाल हो जाया करती थी लेकिन उनके इस दुनिया से विदा होने के बाद मानो इस मकान की आत्मा ही चली गई। अब इसकी देखभाल का जिम्मा सिर्फ एक चौकीदार के भरोसे है जो पिछले 40 वर्षों से किशोर कुमार के मकान की देखभाल कर रहा है। चौकीदार सीताराम को आज भी वह दिन याद है कि जब
जब किशोर कुमार खंडवा आते तो बंगले की रौनक कुछ और ही हुआ करती थी। और हमारे किशोर साहब साल में दो मरतबा बिल्कुल ही आते ही थे और चार आठ रोज इसी मकान में रहते थे। उनके दोस्त यारों को मिलते थे, बड़े हंसी मजाक से रहते थे और उनके पिताजी वगैरह भी सब यहीं रहते थे और चार आठ रोज के चले जाते थे। बंगले की हालत तो ऐसी हो गई है कि मेरे खुद को डर लग रहा है, पीछे जाने में डर लगता है और सब दीवारें टूट रही है, मकान की छत भी गिर रहे हैं और पूरा बारिश का पानी बंगले में आता है साहब। और मेरा सोने बैठने का आखिरी मंजरी इंतजाम में कोई कमरा अच्छा नहीं जो कि उस कमरे में मैं नहीं सोऊँ। घर वाले देखने आते बड़े नर्वस हो जाते हैं कि देखो कितना बड़ा भारी कलाकार है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बाहर उसका नाम है और देखो उसकी हालत की क्या हो रही है। बड़े बेचारे नर्वस हो जाते हैं और चले जाते हैं। सरकार को चाहिए कि साहब इसको अच्छा बनवाएं और इसका कम से कम उसका नाम चलाएं कि भाई किशोर कुमार खंडवे वाला गायक अच्छा था, उसका धरोहर भी अच्छी बन जाए फर्स्ट क्लास। बाहर वाले आए कि देखें कम से कम कि नहीं भाई उनकी कुछ अच्छी